चलिए आए चलते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन में आप देखिए फोर क्वेश्चंस हैं, ईच कैरिंग टू मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया था, देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इज द गिवन सीक्वेंस एन एपी और नॉट, ओके। तो यहाँ पे आपको दिया है, थ्री टर्म्स दिया हुआ, T1, T2, T3। तो आप क्या करेंगे, पहले ये चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 11.5 12 12.5 .. This is a given sequence, ठीक है। चलिए let us करेंगे, T1 is 11.5, ये हो जाएगा आपका T2 12 and T3 will be 12.5, ठीक है। चलिए हम लोग difference find out करते हैं, T2 minus T1, T2 minus T1 क्या हो जाएगा, देखिए T2 12 minus 11.5, तो ये आपका आएगा 0.5, ठीक है। नहीं माना सारा, देखिए 12 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ पे लगा के 0, देन 11.5। अब देखिए ये नहीं जाएगा, यहाँ से बोरो करेंगे, ये 10, 5 हो गया, 1 माइनस 1 0, 10 पॉइंट, सॉरी ये 0, क्या हुआ 0.5। चलिए फाइंड आउट करेंगे T3 माइनस T2, व्हाट इज T3 12.5 माइनस T2 क्या है आपका 12। अब देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 0.5 आएगा, 12.5 माइनस 12.0, ये हो गया 5, ये 0.0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस सेम मिला, सो वी कैन से हियर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स is constant, क्या हो गया आपका ये constant हो गया, so we can say therefore the given sequence is an AP, so हम लोग बोल सकते हैं वो AP में है। चलिए इसकी marking scheme कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे 2 marks का question था, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये half marks इस पे दे सकते हैं आप, half marks you can give for this statement के लिए half marks and half marks for this one. ये कभी कभी चेंज भी होता है, ठीक है। समटाइम विल गेट 1 marks फॉर दिस एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस, ऐसे भी होता है। तो यहाँ पे दो पार्ट में है, इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं, गिव द मार्क्स, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, यहाँ पे दिखा है लिया है, फाइंड T12 फॉर द AP 11 8 एंड 5। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप लिख सकते हो 11 8 5 is an AP, ये AP में आपको दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, so you can write here A means the first term हो गया आपका 11, D निकालना है हमें तो T2 minus T1, so 8 minus 11। आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं, आप सोचेंगे bigger number minus smaller number, 11 minus 8 नहीं करना है। देखिए ये T1 है, ये T2 है, difference कैसा होता है, T2 minus T1, तो 8 minus 11 कितना आंसर आएगा, minus 3, तो D आपका हो गया minus 3। What you have to find out? T12, right? So, हमें T12 निकालना, T12 equal to question mark. चलिए formula लगाते हैं, so we can write here, we know that, what is formula? Tn equal to A plus N minus 1 D. चलिए, T, what is the N? 12, ये 12 हो गया, A की value हो गई 11, then N is 12 minus 1, difference आपका minus 3 है. तो next, सॉल्व करें तो कैसे हो जाएगा, ये 11 प्लस ये करेगा तो आप देखो 12 माइनस 1 11 इनटू माइनस 3, सो दिस प्लस एंड माइनस ये 11 हो गया, प्लस माइनस माइनस 11 3 जा 33। आप इसको अगर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 22, ठीक है, बिगर नंबर साइन, तो आपको मिल गया T12 इज माइनस 22। तो इसको हम लोग मार्किंग स्कीम कर सकते हैं, चलिए कैसे मार्क करेंगे, तो पहला तो हो गया ये फाइनल आंसर हाफ मार्क्स, फॉर्मूले के ऊपर हाफ मार्क्स दे सकते हैं और इसके ऊपर हाफ मार्क्स, 1.5 हो गया, एंड द हाफ मार्क्स फॉर ए एंड डी, जो आपने ए और डी निकाला ना उसको आप हाफ मार्क्स दे सकते हैं, करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप्स यू कैन गिव द मार्क्स और फिर आप टोटल कर सकते हैं आपको कितना मिला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या बोला है, राइट एन एपी फॉर ए इक्वल टू 6, सॉरी व्हेन ए इज 10 एंड डी इज 2.5, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ए इज 10
एंड डी इज 2.5, ये आपने 3.1 में सॉल्व किया था, ठीक है। चलिए तो ये आपका फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म T1 इज A, A इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट टर्म, तो T1 हो गया आपका A विच इज 10, सो हमको फाइंड आउट करना है T2, T2 का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव किया था, T1 प्लस D, फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस जो भी होगा ऐड करेंगे, सो व्हाट इज द T1, T1 मींस दिस वन, देखिए यहां 10 प्लस D इज 2.5, ये हो जाएगा 12.5, ओके। चलिए नाउ T3 कैसे निकालेंगे हम लोग, T3 निकालना है तो T2 प्लस D, T2 आपका क्या है, देखिए T2 निकला है 12.5 प्लस D कितना है 2.5, तो ऐड करोगे तो हो जाएगा 12 प्लस 2 14 और ये 15 आपका आ जाएगा, नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, देखिए 5 प्लस 5 10, ये हो गया आपके 15.0 मतलब 15, सो यू गॉट T3 राइट। एक टर्म और निकालेंगे T4, तो T3 अगर आप T4 निकाल ले तो यहाँ पे एक कम कीजिए T3 एंड द डिफरेंस यू ऐड, व्हाट इज T3 वैल्यू 15 प्लस D कितना है 2.5, ये हो जाएगा 17.5, तो आपको देखिए स्टार्टिंग के 4 टर्म्स मिल गए राइट, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द सीक्वेंस देयरफॉर राइट द रिक्वायर्ड AP, therefore required AP is क्या जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका फर्स्ट 10, 12.5, 15 एंड 17.5, ये हो गया आपका required AP। चलिए इसको मार्किंग करेंगे हम, तो मार्किंग कैसे करेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए ये तो आपका पहला, इस पे हम हाफ मार्क्स दे सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर पे हाफ मार्क्स दे दो राइट। अब यहाँ पे हम T1 तो क्या फर्स्ट हो गया, तो आप इधर हाफ ऑफ मार्क्स लिखेंगे फॉर T3 राइट, क्योंकि T1 में तो कुछ करना नहीं था डायरेक्ट, हम इसमें वी हैव डन समथिंग फॉर दिस, तो हम लोग हाफ ऑफ मार्क्स दे सकते हैं ना, एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस फाइनल आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, फॉर एन AP फर्स्ट टर्म इज गिवन, मींस A इज गिवन एंड द D इज गिवन, आपको जस्ट 15 निकालना है, ओके। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हियर A इज 6 एंड द D इज 3, यू हैव टू फाइंड आउट S15, तो यहाँ पे सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड आउट करना मतलब SN फार्मूला, सो राइट हियर वी नो दैट SN इक्वल टू N अपॉन 2 2A प्लस N माइनस 1 D, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं N, SN, N के लिए कितना रखना है 15, so n is 15 upon 2, ठीक है, समझ में आ रहा है, देखिए 2, what is value of A, 6, plus n है आपका 15 minus 1, what is the D, 3, ठीक है। चलिए आगे निकलते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ही रखो, बाद में देखते हैं, लास्ट में 2 6 जा 12 प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा 15 minus 1 14, 14 3 जा 42, ठीक है। चलिए अब से करते हैं हम प्लस 15 अपॉन 2 एज इट इज, ये ऐड करोगे देखो 2 2 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 54, ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई, चलिए इसे कैंसिल करते हैं, 2 2 4 2 7 14, सो नाउ 15 × 27 ये मिलेगा आपको, यस 15 राइट, तो 27 × 15 करके देखते हैं हम लोग, 5 7 10 5 2 7 1 2 2 5 10 3 4 4 05, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। चलिए इसको भी मार्किंग कर देते हैं हम लोग, चलिए अगर हम लोग देखें तो पहला तो आपको आंसर पे हाफ मार्क्स मिलेगा, फॉर्मूले के ऊपर हाफ मार्क्स मिलेगा, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है तो इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा राइट। और यहाँ पे हम लोग जब ये स्टेप के बाद आते हैं, जब मल्टीप्लाई करने के लिए, यहाँ पे हम हाफ मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है, सो समटाइम यहाँ की जगह पे यहाँ पे भी देख सकते हैं, सब कोई प्रॉब्लम नहीं, तो टोटल दिस वे वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द मार्क्स, ओके।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर डिविजिबल बाय 5। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, पहले बोला हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स, तो टू डिजिट नंबर कहाँ स्टार्ट होता है आपको पता है, स्टार्ट फ्रॉम 10, 10, 11, 12, 13 लाइक दिस, एंड लास्ट कहाँ पे होता है 99, क्योंकि 99 के बाद 100 आएगा, तो 100 हो जाएगा आपका 3 डिजिट, और 10 के पहले 9 आएगा, ये 1 डिजिट है। इसका मतलब 2 डिजिट का रेंज है आपका 10 to 99। बट इसमें हमने हमें कौन से नंबर लेने हैं, विच आर डिविजिबल बाय 5, तो डिविजिबल 2 का रेंज पता चल गया, 2 डिजिट नंबर इज फ्रॉम 10 to 99। बट हमें क्या पता करना है, विच आर डिविजिबल बाय 5, ऐसे कितने नंबर्स होंगे। सो वी कैन से टू डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 आर, क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए 10 है पहला नंबर डिविजिबल, उसके बाद आएगा 15। जब फर्स्ट नंबर मिल जाए तो अब उसमें जो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो ऐड कर दीजिए, 10 + 5 = 15, इसमें 5 ऐड कीजिए तो 20 आएगा, राइट, डॉट डॉट डॉट। अब 99 तो 2 डिजिट है बट डिविजिबल बाय 5 नहीं है, तो डिविजिबल बाय 5 कैसे पता चलेगा, अगर यूनिट प्लेस पे क्या देखना है हमें, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, डिजिट 0 और 5, अगर 0 और 5 है तो वी कैन से इट इज डिविजिबल बाय 5। तो 99 देखिए 9 है, तो 98 में भी नहीं होगा, 98 में भी 8 है, 97 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 95 देखिए यूनिट प्लेस पे आ गया, सो वी कैन से लास्ट वन इज 95, तो ये हमें मिल गया, ठीक है। तो हमें ये रेंज मिल गया है विच आर डिविजिबल बाय 5, बट हमें क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, ऐसे कितने नंबर्स होंगे, हाउ मेनी टर्म्स, राइट। देखिए हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स मींस हाउ मेनी टर्म्स, 1, 2, 3, 4, और मिडल में कितने होंगे, टिल 95। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम TN का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट, तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 आर दिस, और बोल सकते दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है आपका, राइट, सीक्वेंस हो गया, नेक्स्ट नंबर हम पता चल रहा है, राइट, दिस सीक्वेंस इज एन एपी, अगर एपी में है तो वी कैन यूज द फॉर्मूला, राइट। चलिए ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका 10, डिफरेंस कितना आएगा 15 - 10 मतलब 5, एंड ये जो है ना आपका 95 वो लास्ट टर्म हो जाएगा, TN 95, we have to find out N, ठीक है। Now, so we write the formula, what is that, TN equal to A plus N minus 1 D, चलिए T, N मुझे पता नहीं है, तो TN के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग, 95, what is value of A, 10, N नहीं पता है, 1, difference कितने का यहाँ पे, 5 का, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम 95 में 10 को माइनस भी कर सकते, अभी पहले इसे सॉल्व कर लेते फिर करेंगे 10, चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इसके साथ होगा 5n माइनस 5 1 5, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अभी देखिए 95 इक्वल टू, देखिए नंबर नंबर 10 माइनस 5 5 आएगा एंड प्लस 5n, ये नंबर के पास जाके माइनस होगा, 95 माइनस 5 इक्वल टू 5n, अब माइनस करें तो कितना आएगा यहाँ पे 90 इक्वल टू 5n, राइट, तो 90 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, कैंसिल करेंगे 5 5 4 बचे यहाँ पे 5 8, ठीक है, सॉरी 5 5 4 5 8 14, 18 कितना आ गया अपना 18, सो वी कैन से n इक्वल टू 18, ओके। चलिए तो आप यहाँ पे स्टेट में लिख सकते हैं, देयरफॉर द टू डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल, टू डिजिट नंबर्स कितने 18, टू डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 इज 18, आप 18 लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स बोला है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इवन यहाँ पे लिख सकते थे 18, टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 से लिख सकते थे, ठीक है। आप चलिए इसको मार्किंग
मार्किंग हम लोग कर सकते हैं फर्स्ट लास्ट आंसर पे, आप यहाँ पे हाफ मार्क दे सकते हैं, इट इज 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आंसर है उसे हाफ मार्क्स एंड दिस स्टेटमेंट पे हाफ मार्क्स। चलिए आपको पता है फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स मिलने वाला है, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की उस पर भी हाफ मार्क्स मिल जाएगा, राइट। ये जो हमने 2 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 5 लिखा है, दिस ऑल्सो कैरिंग हाफ मार्क्स, कितना हो गया 2.5। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे ये देखिए जो ओपन करते हैं यहाँ पे भी हाफ मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। इवन कि यहाँ पे ना देखिए यहाँ भी देंगे तो भी चलेगा, मतलब देखिए 1 1 1 1 योर 3 मार्क्स, इस तरह से हम आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या दिया है, द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट इज 360, फाइंड द टर्म्स। ये भी हमने आपने सॉल्व किया रहेगा 3.3 में, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, हमें लेट करना पड़ेगा, लेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, लेट द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी बी, क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, याद है आपको, ये हम अज्यूम करेंगे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। चलिए कंडीशन क्या बोला है यहाँ पे, सम, सम मतलब प्लस, राइट। जब इस 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम प्लस करेंगे तो उसका टोटल कितना होगा 30, सो यू कैन राइट बाय फर्स्ट गिवन कंडीशन, हम फर्स्ट गिवन कंडीशन बोल सकते हैं। देखिए ए माइनस डी प्लस ए एंड प्लस ए प्लस डी, ब्रैकेट में पहले रख के ओपन कर सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, राइट। किसकी इक्वल है यहाँ पे 30। अब देखिए माइनस डी एंड प्लस डी कैंसिल तो 3 ए हो गया, 3 ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 30, देयरफॉर ए इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 3, 3 टेंस अप, ए की वैल्यू कितनी मिल गई 10। चलिए हमने फर्स्ट कंडीशन से ए की वैल्यू निकाल दी, नाउ अब डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें सेकंड कंडीशन भी यूज करना पड़ेगा, सो वी कैन से पर सेकंड गिवन कंडीशन, राइट। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, ये क्या है, देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे 360 आना चाहिए, मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई ए माइनस डी, राइट, देन ए इनटू ए प्लस डी, किसके इक्वल होना चाहिए 360। चलिए अगर हम लोग ए की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 10 माइनस डी, हियर इट इज 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस डी इक्वल टू 360। स्टेप और लेते हैं, ये 10 को लाके यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो क्या होगा 10 स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 360 अपॉन ये वाला 10 इधर आएगा, डिवाइड कर लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये पार्ट यहाँ पे ऐसे बन जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 336 हो गया, राइट, यहाँ पे हम 36 भी लिख सकते थे। चलिए तो क्या हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 36, ये 100 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 64, तो माइनस माइनस गॉट कैंसिल, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 64, therefore d equal to plus minus 64, और आपको पता है इसका आंसर आएगा plus minus 8, d की वैल्यू आ गई plus minus 8। चलिए अभी यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन लेते हैं, when a equal to 10 and d equal to 8, चलिए हमें तीन टर्म निकालना है, तो a minus d क्या हो जाएगा आपका, a है 10 minus what is d 8, यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म a माइनस डी 10 माइनस 8, राइट, तो हो जाएगा 2। चलिए a था ना, a माइनस डी देन a, व्हाट इज a 10 मिला देखिए, राइट, a प्लस डी निकालेंगे तो a प्लस डी क्या हो जाएगा आपका, देखिए 10 प्लस 8 मतलब 18, ये हो गया आपका ये कंडीशन में। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, when a is 10 and the d is minus 8, ठीक है। चलिए फिर यहाँ आ जाएगा a माइनस डी मतलब a माइनस माइनस 8, ये हो जाएगा, सॉरी a की वैल्यू कितनी है 10, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा
18, right? What is it? Second term is a. A क्या दिया यहाँ पे देखिए 10, right? And the last term a plus d. तो a है आपका 10 plus d की वैल्यू minus 8 है, right? ये हो जाएगा यहाँ पे minus. तो 10 minus 8 हो जाएगा 2, right? ये मिल गया. तो ये यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं therefore the terms are. अब स्टेटमेंट भी यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा है फाइंड दी टर्म्स, यू कैन राइट देयरफॉर द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स आर, राइट? क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या पहला आपका देखिए यहाँ पे पहला टर्म मिला यहाँ पे 2, देन 10, 18, और ये लिखिए इसका ये रिवर्स हो जाएगा, राइट? तो देखिए यहाँ पे पहला 18, 10, 2, मतलब इसी का आंसर को रिवर्स करना है, सो राइट 18, 10 एंड 2, ठीक है? इसमें मार्किंग कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं. चलिए 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, चलो ये फर्स्ट कंडीशन पे हाफ मार्क दे सकते हैं, ये 10 इक्वल टू 10 मिला इधर हाफ मार्क्स, ये कंडीशन के लिए हाफ मार्क्स, डी की वैल्यू के लिए क्योंकि हाफ मार्क्स कितना हो गया अभी 2, राइट? ये दो जो हमने फाइंड आउट किया क्योंकि हाफ मार्क्स फॉर दिस एंड द हाफ मार्क्स फॉर द फाइनल आंसर. एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज स्पेशली फॉर 4 मार्क्स, राइट? बट यहाँ 3 मार्क्स क्वेश्चन में दिया है, तो 3 और 4 में वो डिफरेंस नहीं, 4 वाला भी 3 में पूछता है, 3 वाला भी 4 में पूछ सकता है, तो 1 2 3 मार्क्स, दिस वे कैन डिस्ट्रीब्यूट द मार्क्स. चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd को सॉल्व करेंगे. क्या बोला है, द टैक्सी फेयर इज ₹14 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹2 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. मतलब अगर हम लोग यहाँ पे इसको एनालाइज करें तो अगर फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज है ₹40, तो अगर 1-1 किलोमीटर ऐड होगा तो यहाँ पे ₹2 ऐड हो रहा है, राइट? तो अगर नेक्स्ट किलोमीटर हो जाएगा आपका 1+1 2 किलोमीटर के लिए हो जाएगा, ये ₹2 ऐड हो जाएगा 16, राइट? फिर थर्ड किलोमीटर के लिए हो जाएगा आपका ₹2 इसमें ऐड हो जाएगा प्रीवियस में, तो हो जाएगा 18 एंड सो ऑन लाइक दिस. तो अपने को 10 किलोमीटर में कितना फेयर होगा ये फाइंड आउट करना है. मतलब समझिए 10 किलोमीटर मतलब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, T10 निकालना है, ये पार्ट तो क्लियर हो गया 10 टर्म्स, ओके? चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अब यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, द टैक्सी फेयर इज ₹14 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ऐसे लिख सकते हैं, द टैक्सी फेयर इज ₹14 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, राइट? एंड ₹16 फॉर सेकेंड किलोमीटर, 2 किलोमीटर, राइट? जैसे एडिशनल 1 किलोमीटर बोला 2 किलोमीटर बोल सकते हैं, राइट? एंड सो ऑन. तो क्या हो जाएगा आपका, सो यू कैन से ये बोल सकते हैं, दिस सीक्वेंस इज एन एपी. ये जो सीक्वेंस आपका दिख रहा है वो एपी में हो जाएगा. तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 14 एंड डिफरेंस हो जाएगा 16 माइनस 14, और डायरेक्ट यहाँ पे दिया देखिए 60 माइनस 14 कितना आएगा 2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. और आपको फाइंड आउट करना है T10 मतलब 10th किलोमीटर का चार्जेस क्या होंगे. सो आपको पता है फॉर्मूला, सो राइट हियर वी नो दैट. क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे Tn, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर Tn, इक्वल टू a प्लस l माइनस 1 d. Tn की वैल्यू है 10, a है आपका 14 प्लस 10 माइनस 1 d आपका 2, करेक्ट? चलिए सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, T10 इक्वल टू 14, ये माइनस करोगे तो आप हो जाएगा 11, सॉरी 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, देखिए गलती हो जाती है, आप प्लस कर दिया 9 इंटू 2, तो पहले से इंटू करना नहीं तो आप प्लस करके फिर करेंगे, तो ये हो जाएगा T10 इक्वल टू 14 प्लस 9 टू जा 18, स्लिप से ऐड करेंगे ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 32, मतलब 10 किलोमीटर का आपको कितना देना पड़ेगा 32. तो व्हाट विल बी द फेयर फॉर 10 किलोमीटर, सो यू कैन राइट द फेयर फॉर 10 किलोमीटर इज ₹32 बोल सकते हैं, ओके? अच्छा इसका मार्किंग कैसे करेंगे हम लोग, मार्किंग दे सकते हैं, मार्किंग के लिए आप क्या करोगे, तो पहला तो ये फाइनल स्टेटमेंट पे हाफ मार्क्स दे देंगे, राइट? ये जो हमने फाइंड आउट किया उसके ऊपर हम लोग हाफ मार्क्स देंगे ए डी, देन फॉर्मूले के ऊपर हाफ मार्क्स, इसकी वैल्यू रखेंगे तो हाफ मार्क्स,
राइट, यहाँ पे ये लास्ट निकालो उसके लिए हाफ मार्क्स, और यहाँ पे ये दे सकते हैं, इधर पे भी हाफ मार्क्स दे सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स, ये वैल्यू रखा हाफ मार्क्स, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, हाफ इधर उधर दे सकते हैं, इवन सम टाइम हाफ इसको भी दे सकते हैं। तो 1 2 आपका कितना हो गया टोटल, यहाँ पे 3 मार्क्स हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे 4 में क्या दिया हुआ है, 7 14 21 is an AP, right? जो सीक्वेंस है आपको एपी में दिया हुआ है। Then how many terms have to be considered for getting sum of 5740? मतलब सम करना भी कितना आना चाहिए, 5740, मतलब इसमें और कितने टर्म ऐड होंगे कि आपको टोटल मिलेगा 5740, मतलब ये एस एन दिया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, चलिए यहाँ पे बोल सकते हैं A7, डिफरेंस हो जाएगा 14 minus 7 7, एस एन इज 5740, सो यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ एस एन, एन अपॉन 2 2A plus N minus 1 D, ठीक है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला, या वी नो दैट भी लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए एस एन की वैल्यू रखते हैं 5740 इक्वल टू, व्हाट इज एन, एन आपको नहीं दिया हुआ है, 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, 7 प्लस एन माइनस 1, डी इज आल्सो 7 आया आपका। चलिए तो 5740 एन अपॉन 2 ये हो जाएगा 14, 2 7 14, नाउ यू ओपन इट तो 7 एन माइनस 7, ठीक है। तो 5740 ये हो जाएगा एन अपॉन 2, राइट, 14 में से 7 गया तो 7 प्लस 7 है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ये एन, ये जो 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5740 क्रॉस इनटू करेंगे तो हो जाएगा, राइट, इधर ला लिए तो हो जाएगा 2 इक्वल टू एन, 7 प्लस 7 एन। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 0 0, 2 4 8, 2 7 14, 2 5 10 और 11, ये इतना मिला आपको equals to, इसे ओपन कर दीजिए, 7n plus 7n square, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वी कैन राइट ये जो आर एच एस उसको इधर लिखेंगे, उसको यहाँ पे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई चेंजेस नहीं होगा। 7n square plus 7n equals to 11480, राइट। अब क्या करेंगे, इसे भी यहाँ पे लाएंगे, तो 7n square plus 7n 11480, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी मेरे ख्याल से 7 से डिवाइड होगा, राइट। इसे करके देख लेते हैं, यहाँ पे साइड में आपको ऐसा डाउट लगे तो करके देखिए, राइट, 7 में जा 7, देखिए यहाँ पे 4 आया, 4 ले लेंगे, 7 6 42, ये 2 बचा, 8 आप कॉपी कर लो, 7 4 28, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो वी कैन से है डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। चलिए अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर यहाँ पे 7 से कैंसिल हो जाएगा, यू गेट n माइनस, इसको अगर हम डिवाइड किए तो क्या मिला, 1640 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसे स्प्रेड करना है, मतलब यहाँ पे जो 1640 है, राइट, और यहाँ पे मिडिल में क्या है 1, तो ऐसे दो नंबर में स्प्रेड करना है, मल्टीप्लाई करने पे 1640 आए और प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो आप सोचिए बिगर नंबर कैसे होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट भारी है यहाँ पे। तो जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 में सीखा फैक्टराइज वाले में, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक मेथड है कि 1640 को फैक्टराइज कीजिए आप। चलिए करते हैं इसको, 2 8 16, 2 2 4 0 हो गया, 2 4 8, 2 1 10, 2 2 4, फिर 0 यहाँ पे लगाएंगे, 2 5 10, ठीक है, दो डिजिट साथ में ले रहे हैं, ये तो कभी आप गलती करेंगे, 2 2 4 2 5 10, 25 नहीं होगा, 205 होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 आया तो 5 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 4 20 5 5 41 इज अ प्राइम नंबर, तो 41 से जाएगा, तो 41 खुद ही एक बड़ा नंबर दिख रहा है। चलिए छोटे को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 5 40, वो मिल गया, देखिए 40 और 41
तो अगर माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो डेफिनेटली ये तो आने वाला है, सिर्फ हमें डिफरेंस को देखना था, यहाँ पे वन आता है। सो वी गॉट द टू नंबर 41 एंड 40। चलिए आपको पता है पहले एन स्क्वायर लिखेंगे प्लस, अभी वन एन तो लिखना नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 41 एन प्लस माइनस माइनस 40 एन माइनस 1640 इक्वल टू जीरो। चलिए यहाँ पे एन कॉमन ले लेंगे तो एन प्लस 41, फिर से ये कॉपी करना आपको पता है हमने सीखा है, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या है देखिए, एन मैच हो गया, ये माइनस 40 बाहर आएगा, ये आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये टफ पार्ट है, तो हमें पता है कि ये जो यहाँ है वो यहाँ आने वाला है, तो नो नीड टू फाइंड आउट हियर, राइट। ये आप कॉपी कर लो लास्ट टर्म का छोड़ के, सेकंड लास्ट टर्म से एन को मैच किए तो माइनस 40 बाहर आ गया। इसे ओपन करेंगे तो आपको सेम मिलेगा, ठीक है, ये भी आप समझ गए, इसमें अभी रफ करता हूँ। चलिए अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी इसको लेंगे n माइनस 40 इन वन ब्रैकेट एंड n प्लस 41 इन वन ब्रैकेट, सो दिस बिकम n माइनस 40 इक्वल टू 0 और n माइनस 40 सॉरी प्लस 0, तो ये हो जाएगा इधर आके प्लस n इक्वल टू 40 और n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस 41, राइट। सो यहाँ पूछा हाउ मेनी टर्म्स, सो टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जब हम काउंटिंग करते हैं इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे n माइनस 41 इज अनएक्सेप्टेबल, राइट, रिजेक्ट कर देंगे, देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, राइट। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था, How many terms have to be considered? So, कितने होने चाहिए? Total terms कितने हो गए? Total terms is 40. 40 होने चाहिए. यहाँ पर ये आंसर हो गया. ठीक है? इस तरह से देखिए लेंथी क्वेश्चन था और इसमें कई फैक्टर्स थे. ये क्वेश्चन एक्चुअली 4 और 5 मार्क्स के लिए पूछता है, तो 5 मार्क्स तो है ही नहीं, यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए पूछता है मैक्सिमम. तो भी आप यहाँ पे मार्किंग कैसे करेंगे 3 मार्क्स के लिए, तो फर्स्ट हम यहाँ पे फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है, और फिर कहाँ पे देंगे, फॉर्मूले के बाद जो वैल्यू रखे हम उधर पे हाफ मार्क्स दे सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो पहला तो ये फाइनल आंसर पे हो जाएगा, इधर हाफ मार्क्स हम दे सकते हैं, वी कैन गिव दिस हाफ मार्क्स हियर, यहाँ पे 1 मार्क्स हो गया, राइट। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फ्रेम हुआ तो हाफ मार्क्स यहाँ पे हम दे सकते हैं, तो 1.5 हो गया। ये फॉर्मूले पे हम लोग हाफ मार्क्स दिए ऑलरेडी, स्टेप के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डी कितना हो गया यहाँ पे 2.5 हो गया, राइट। तो एक यहाँ पे दे सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए ब्रैकेट आता ना, तो यहाँ दे सकते हैं हम लोग हाफ मार्क्स, तो कहीं भी वेरिएशन भी हो सकता है, जैसा मैंने पहले बोला ये फिक्स नहीं है कैसे होगा, बट तो ये रेंज ऐसे रहते हैं, मोस्टली इसी में से देते हैं, ऐसे देते हैं, तो 1.5 यहाँ हो गया, ये 2 हो गया एंड 3 मार्क्स, राइट। सो दिस वे कैन गिव द आंसर।